एस्ट्रोलॉजी लिख के साथ में जो है हमें केक दिया है, इट्स सो 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 स्वीट। ज़ैनब ये देखो मेरी मेहंदी। हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज है चांद रात और हम लोगों ने जो है ना चांद रात बाहर सेलिब्रेट करनी है। मैं, ज़ैनब, ज़ैनब की फ्रेंड्स और पता नहीं राबिया जाती है कि नहीं, और मेहंदियां शेंदियां भी हम बाहर से लगवाएंगे। फिलहाल जो बकरे को पिंक शिंक करके मेरे हाथ गंदे हुए हैं, मैंने इनको धोते हैं, चांद रात के कपड़े निकाले हुए हैं वो पहनते हैं, मस्त तैयार होते हैं और भाई देसी मुटियारे बन के चलते हैं। फिर चांद रात की इतनी कंफ्यूजन हो रही है यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या पहने। इधर ज़ैनब अपना ड्रेस सिलेक्ट करने में लगी हुई है कि कौन सा, मुझे भी नहीं आ रहा। यहाँ पे भी कपड़े बिखेरे हुए हैं कि कौन सा पहने। ये बच्चियां तो भाई तैयार हुई है सही, पूरा पूरा ये भी तैयार हुई हुई है। सबसे पहले पेट पूजा कर ली जाए यार, मैं तो सबसे पहले पिज्जा खाने लगी, उसके बाद चांद रात के लिए तैयार हूँ। मेनू बहुत भूख लग रही है यार। सीन अब कुछ ऐसे है कि मैं चांद रात के लिए तैयार हो चुकी हूँ। ये मेरे प्यारे से झुमके पहन लिए, ये मेरा आउटफिट है, ये लड़कियां मेरे सामने बैठी हुई हैं, ठीक है। और अभी हम अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं कि वो फ्रेंड आएगी, फिर उसके साथ हम लोग जाएंगे। लिटरली जमीन पे ही बैठ गई हैं, यहाँ पे इनका टाइम लैप्स चल रहा है, कोई वीडियो शूटियो बन रही है, ये लोग बैठी हुई हैं मिरर के सामने, फोटो शोटो ले रही है। ओए मैं ना एक लेवल तक हंसी मजाक बर्दाश्त करती हूँ, उसके बाद मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, और अड़ा रहेगा। मैं इधर खाने में देखने आई हूँ कि मामा ने खाने में क्या बनाया हुआ है। आज की चांद रात में खीर की जगह मामा ने खिचड़ी बनाई हुई है यार। घर में राबिया की भी तबीयत खराब है, मामा की भी हल्की फुल्की दाढ़ में दर्द है, इसलिए खिचड़ी बनी हुई है। ये देखो भाई, लो आ गई, सबको लुभा दे खिचड़ी, ऐसी खिचड़ी सही। फ्रेंड्स वगैरह आ गई हैं जिन्होंने हमें पिक करना था। मामा हम लोग जा रहे हैं मेहंदी वगैरह लगाने, आप ही नहीं ना आई, उसने भी लगानी थी आप लोगों को। मेहंदी नहीं लगाई ना, मुझे लेके जा। मैंने तो कहा है चलो, आप तो कह रही हैं आपके दांत में दर्द है, सुबह लगा लूंगी। चलें ठीक है, मैं मेहंदी ले आऊंगी, आप लगा लेना। वैसे भी काम करो तो फौरन कलर उतर जाता है, मैं फ्री होके फिर लगाऊंगी। ओके ठीक है, जल्दी आ जाना। ओके चांद रात पे राबिया को देखो, वर्किंग वुमेन यहाँ पे बैठ के अपनी वीडियोस बना रही है। मैंने बोला है कि हमारे साथ चले जाओ, बट नहीं, बेचारी की थोड़ी तबीयत खराब है, ये घर पे ही मेहंदी शेंदी लगाएगी। ऊपर से मेरा पेट भी दर्द हो रहा है, ऊपर से मैं बकरों के साथ टाइम स्पेंड करना है। ओके बाय बाय। गाड़ी में बैठ चुके हैं, हमारी फुल मस्ती चल रही है। ये लड़कियाँ पीछे मेरे साथ बैठी हैं, ज़ैनब की फ्रेंड है इसे, ज़ैनब आगे बैठी हुई है। ये तो हम मॉल शॉल के पास आ गए हुए हैं, खुला हुआ है यार। आज रात के 11:30 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चांद रात पे हर चीज खुली हुई है, मतलब कि मस्ती है ना, इसीलिए मेहंदियां शर्दियां लगानी है ना, इसीलिए। यार हमें यहाँ पे मेहंदी के स्टॉल मिल गए थे, उस पे एक स्टॉल पे हमारी बारी आ चुकी है। ये ज़ैनब की फ्रेंड जो है, इसको यहाँ पे मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई है। ये इसने डिजाइन निकाला हुआ है, सेम इसका एग्जैक्ट वही डिजाइन बन रहा है। मेरी है, इसके बाद बारी। हाँ इसके बाद तुम्हारी है। अच्छा पहले लड़ लो दोनों, बाजार में खड़ी होके बारी किसकी है। अच्छी लग रही है तो जान की कह रही है। हमें यहाँ पे एक दूसरी स्टॉल वाली भी मिल गई है, ये भी मेहंदियाँ लगाती है। अच्छा आप बताएं, आप एक हाथ का कितना चार्ज करती है? 500 पर हैंड, पर साइड के पर हैंड, पर हैंड पूरे हाथ का 5000, ओ सॉरी 500। मैं एस्ट्रोलॉजी से इसे 5000 दे दूँ। वाह 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 वाह। इसकी तो भाई ये काफी हद तक मेहंदी लग चुकी है, ये भी इतना प्यारा हाथ लग गया हुआ है और ये भी इतना प्यारा हाथ लग गया, अच्छी मेहंदी लग रही है। अब यहाँ पे मेरी मेहंदी लग रही है क्योंकि मैंने 4 साइड पे लगवानी है, फ्रंट बैक, इधर भी फ्रंट बैक। पहले मैं फ्रंट पे लगवा रही हूँ, उसके बाद बैक पे लगवाऊंगी, और व्लॉग तो बना नहीं सकती इस तरह क्योंकि मेहंदी लग रही है। ये मेरे इस हाथ पे मेहंदी लग चुकी है, अब जो है मैं दूसरे हाथ पे मेहंदी लगवाऊंगी। यार मेरी फ्रंट साइड पे मेहंदी लग चुकी है और वो सूख भी गई है। अब मानो की बारी आ चुकी है सबसे लास्ट पे, मानो की मेहंदी भी काफी अच्छी लग रही है, अभी तो लगना स्टार्ट हुई है, एक हाथ पे लग रही है। ज़ैनब ये देखो मेरी मेहंदी। ना फातिमा मेरे मुंह पे मत लगाओ। ये एक छोटी सी बच्ची इधर आई है स्टॉल पे मेरे पास और अपना व्लॉगिंग का चैनल दिखा रही है। बेटा ए फॉर एप्पल पढ़ने की उम्र और आप वी फॉर व्लॉग्स पढ़ रही हो, जाके स्कूल जाके पढ़ो लिखो, पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दो। छुट्टियों में सोचा कि व्लॉगिंग कर लूं। हाँ। तो मेहंदी नहीं लगवाई है, मैंने तो लगवा ली है। मैं लगवाने की जगह ढूंढ रही हूँ। जहाँ पे हम मेहंदी लगवाने आए हुए थे वहाँ पे ये माहौल था, खूब सारे स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पे। लड़कियों चलो मेहंदियाँ लगवा ली, अब खाना शाना खाने चलते हैं। वैसे मुझे तो था कि हम मेहंदी से पहले खाना खा लेते हैं, लेकिन कोई नहीं, अब मेहंदियाँ तो हमारी सूख गई है, अब खाना खा लेते हैं। चलो भैया हमारा खाने का ऑर्डर आ गया है ज़ैनब के पास, ज़ैनब सबके बहुत भूख लग रही है यार, इधर पकड़ाओ। अब समझ नहीं आ रहा कि खाना खाएं कैसे, हमारे हाथों पे तो लगी हुई है भाई मेहंदियाँ। शिट 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 शिट, उठाओ नहीं जैसे यार, गलती।
गलती से गिर गया, मेहंदी खराब होने के चक्करों में खाना खराब हो गया। Oh shit, oh my god. नो भी ज्यादा गिर गया भाई। यार ये जो फ्राइज का पैकेट था ना, ये मेरे से गिरा था। ये जो फ्राइज का पैकेट है ना, हर किसी की मोहब्बत है यार। फ्राइज, आई लव यू फ्राइज यार। भाई भूख मिटाने के लिए रैप आ गया, इसको खाते हैं। Yes, यार मुझे राबिया ने कॉल करके कहा था कि आपी के साथ, हीरा के साथ वो भी इधर पहुंच गई है मेहंदियां लगवाने, लेकिन इस टाइम में भी सब कुछ बंद हो गया हो। तो ये दिख गई है दो दो कैमरे, दो दो फ्लैश लाइट दिख रही है कैमरे की। फातिमा ना होगी, कोई सेलिब्रिटी हो गई। हेलो, गाड़ी में आपी, हीरा। मेरी मेहंदी देखो कैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, सबसे अच्छी हीरा की लग रही है। मेरी देखो मेहंदी, इन्होंने अभी तक मेहंदियां ही नहीं लगाई। तो ये मेहंदी वाली बैठी हुई है ना यार, इससे लगवाओ। निकलो तुम यहाँ से, खुद तो तुम लगवाई हो, मुझे भी दो यार। ये बहुत अच्छी लगी, बहुत अभी पील ऑफ है, पील ऑफ होगी अभी खिंचन। वो जो मेहंदी वाली थी ना, वो कहती मैंने इकरा की वो वाली मेहंदी भी देखी थी, निकाह वाली भी। यहाँ पे फैंस के साथ फोटो ले रहे हैं। और हीरा ने ये गाड़ी भी रोकी हुई है, वो गाड़ी भी रोकी है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक रोकी हुई है। हीरा तुमने पूरी ट्रैफिक रोकी हुई है यार, गाड़ी तो चला दो। फैंस के साथ फोटो लेने के चक्करों में बाकी लोग इनको गाड़ियाँ दे रहे होंगे। हीरा पूरी की पूरी ट्रैफिक स्टक करके खड़ी हुई है यार, गाड़ियाँ तुम्हें डांट रही है। उन लोगों को जो है उसी गाड़ी में छोड़ के उन्होंने अपना कोई खाना पीना खाना था। हम लोग यहाँ पे कॉफी पीने आ गए हैं, हमने यहाँ पे कॉफी मंगवा ली है। देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, जो एक कोल्ड मंगवाते हैं, एक हॉट मंगवाते हैं। भाई मैंने तो अपने लिए मजेदार सी हॉट कॉफी मंगवाई है, पीते हैं चांद रात में, मजा उड़ाते हैं यार। यहाँ पे हम लोग कॉफी पीने आए हुए थे और इनके इतने स्वीट मेंबर ने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी लिख के साथ में जो है हमें केक दिया है। इट्स सो 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 स्वीट, थैंक यू सो मच यार। इसके लिए वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, बट आपने आज हमारी चांद रात बना दी। इनका इतना स्वीट स्टाफ है ना यार, थैंक यू सो मच। मेहंदियाँ शेहंदियाँ लगवा के, खाना शाना ठूस के हम लोग घर पहुँच चुके हैं और सुबह हो गई है। सुबह चेक करो लिजिट, इसके घर वालों ने तो डिसऑन कर दिया। बाहर दिन चढ़ चुके हैं यार, मतलब लिटरली ब्रो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आप लोगों के साथ बाहर हूँ और रात के सुबह के 4 बजे घर आऊँ। अभी से भाई ईद स्टार्ट हो गई है, मेरी तरफ से आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। बकरों से थोड़ा सा मिल लेते हैं यार, बेचारों का आज आखिरी दिन है, बल्कि कुछ घंटों बाद उन्होंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। मैं बहुत मिस करूंगी अभी। खैर उनकी थोड़ी कुर्बानी शुबानी भी देखते हैं कि कैसी होनी है। मामा पापा घर पे सो रहे हैं यार, लितरो लितरी कर देना। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल हमें याद आएंगे, हमने किया यहाँ जो भी किया, रोके तो कभी हंस के जिया। 2 दिन तुम लोगों के साथ गुजारे हैं यार, लेकिन 2 दिन में मेरे को बहुत अटैचमेंट हो गई है तुम लोगों के साथ। बेचारे एक साथ होके बैठे हुए हैं, मैं सदके जाऊं, मैं नहीं चाहती लेकिन क्या करें, अल्लाह की राह में इनको हमने कुर्बान करना है यार। मेरा पिंक बकरा तो अब सफेद होने की हद तक आ गया है। बेचारे उनको पता है शायद कि हमारी कुर्बानी होनी है, तो सैड होके बैठ गए हैं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा, देखो उसकी शक्ल। घंटा फर्क नहीं पड़ा मेरे को, जल्दी मार और गोश्त खा मेरा। ओहो, ये पापा ने दरवाजा खोला और पापा उठे हुए हैं फुल नींद में। गुस्सा तो नहीं है? गुड डैडी, बचत हो गई। अब तू अपने घर वालों की खैर मना, ठीक है? पापा इनका लास्ट खाना तैयार कर रहे हैं, पट्ठे वट्ठे बस ये खा लें, उसके बाद तुम लोगों का आज आखिरी खुराक है ये। ये इधर क्यों फेंक दिया, ये वेस्ट है? कुर्बान होने से पहले ये आखिरी खाना जो है इनका तैयार हो रहा है, बच्चों खा लो। क्या ये बात ठीक है कि इनको कुर्बान होने से पहले छुरियां नजर आती हैं पूरी रात? बचपन में तो मैं यही सुनती थी। क्या नहीं है कुछ यार, भी वो जानवर है, तुम्हें लगता है कि जानवर होते होंगे, उनके दिल में इतनी फीलिंग है इंसानों जैसी। प्यारे प्यारे बकरे खा लो, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे, अल्लाह बस हमारी कुर्बानी कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। बकरों से फ्री होके अंदर आ गए हैं। ईद के लिए जो है नाखून लगाने हैं, यहाँ पे सारे नेल्स का सामान रख लिया है, जार से तो हमने लगाए नहीं है, एक्रेलिक्स लगाते हैं। मानो ने भी लगाना है, ये मेरे सामने इधर बैठ गई है लगवाने। तेरे किस कलर के हैं? पर्पल कलर के। मैं ये लगाऊंगी लेकिन इनके ऊपर फिर नेल पेंट लगा लूंगी। हमारे बाद राबिया भी आ चुकी है, अपनी मेहंदी दिखाओ। बस पीछे हाथों पे लगाई है, फ्रंट पे नहीं लगाई था, तब फिर हमने दोनों पे लगाई। वैसे भी जो है दिन के 6 बज रहे हैं, हमें यही पूरी रात हो गई है, दिन भी हो गया। चलो सो जाओ, सुबह उठ जाएंगे। चलो तुम्हें पता है मेरा ईद का ड्रेस नहीं आया। क्या फिर से तुम रोना चाहती हो फातिमा की सीट पर? नहीं, लेकिन मेरे पास बैकअप में एक ड्रेस है, वही पहनूंगी। अब ये सही है, बैकअप में भी रखे हुए तुमने। फिर आप इधर आगे दिखाओ अपनी मेहंदी। अच्छा, हीरा ने सिर्फ फ्रंट साइड पे लगाई है। ज्यादा प्रोफेशनल लगी है। हम लोग की ज्यादा अच्छी लगी है ना, वही हमारी मेहंदी का लेवल ही हो रहा है। तुम्हारी भी अच्छी निकली, लेवल सबने निकले। तो यार अब जो है कसाई आ गए हैं, हमारे जानवर जो है वो कुर्बान होने लगे। राबिया तेरा टीटू जा रहा है, चला जा उसे मिल ले आखिरी बार। चलो, रोना आ रहा है? नहीं रोना नहीं आ रहा मुझे बस हो रहा है, दुख हो रहा है उनके लिए थोड़ा सा।
के मतलब क्यों यार जान वो कहाँ लेके जा रहे हैं उनको? राबिया अलग अलग बांधते हैं ना उनको, जब एक जानवर कुर्बान हो रहा होता है ना तो उसके सामने बाकी जानवरों को नहीं बांधते। अच्छा, ये एथिक्स के भी खिलाफ है और वैसे भी ये बुरी बात है। बाकी जानवरों को साइड पे बांधेंगे, जो जानवर कुर्बान होगा वो सिर्फ अंदर रहेगा। बस बाहर बांध दिए इनको, यहाँ पे खाना शाना खा रहे हैं आखिरी बार। थोड़ा रोना भी आ रहा है मुझे यार, मेरा बेचारा पिंक बकरा, मुझे थोड़ा थोड़ा रोना आ रहा है। मिल लो बस मिल लो, बड़ा खाको बड़ा रो रहे हो है। बाय टीटू, मेरा पिंक बकरा, मैंने इसको कल पूरा दिन, मैं इससे बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी यार, इसको जब मैंने पिंक किया था ना तो मोहब्बत हो गई थी इससे। फातिमा का पहला और आखिरी प्यार। तो ये यहाँ पे कुर्बानी का प्रोसेस शुरू हो गया, 1 2 3 4 5 6 और साथ में ये अब्बा जी मेरे खड़े होके सबसे पहले जैनब के बकरे की बारी है। रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं, देखेंगे सब देखेंगे। कुर्बानी होना स्टार्ट हो गया। रोना नहीं, चुप 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 चुप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चुप 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 राबिया का नहीं रोना निकला अभी। राबिया जब तेरा किसी भी चीज की जान निकलते हुए देखना नहीं देखा जाता यार, बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। चल अब जैनब चुप हो गया, तुझे पता है ना ये कुर्बानी के जानवर जो है डायरेक्ट जन्नत में जाते हैं, रोते नहीं। तेरा बकरा था ना इसलिए तुझे रोना आ गया। चल कोई बात नहीं, लटकाने के लिए उसको ये वाली रस्सी बांधती हुई है इसके ऊपर, अभी इसकी खाल छाल उतार के इसको लटकाएंगे। तो भाई इधर जो है सारी ये मूड़ी शूड़ी ये जो भी होता है रख दिया गया, इस पे अब जो है गोश्त कटेगा फिर बटेगा। सब अभी मिलके जो है यहाँ पे गोश्त कटिंग कर रहे हैं, बकरे की खाल छाल उतार रहे हैं। मामा जो है सोते हुए ये सारे बर्तन यहाँ पे रख गई थी, अब उठा उठा के देते हैं ताकि इसमें जो है कुर्बानी के जानवरों का जो गोश्त है वो डाला जाए। चलो भाई राबिया जो है सोने लगी है, कुर्बानी शुरबानी इसने देख ली है, अब उठेगी ये आराम से 2-3 बजे, ईद के कपड़े पहनेगी, शूट कराएगी, इतदाद सेट ठीक है। हुन सोया, चल उत्ते ला ला कंबल, ला 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 पूरा। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए पापा ने जो है इस टोपी का रूप अख्तियार कर लिया, बहुत धूप पड़ी है पापा जी, पसीने से बुरे हाल हुआ पड़ा, चैंपियन बने, पूरा चैंपियन बने हुए पापा जी। चलो हया जा रही है अपने घर, इसके अब्बा जी लेने आ गए हैं, बाय बाय बेटे जाओ ईद मनाओ जाके। तो भाई यहाँ पे जो है गोश्त वोश्त कटना स्टार्ट हो गया है, अब अंदर जाके मामा को बताते हैं कि गोश्त की कटिंग स्टार्ट हो गई है। इससे पहले गोश्त खराब हो जाए गर्मी की वजह से, आप उठे और फ्रिज में रखने का कारोबार स्टार्ट करें। बालों को मैंने बांध लिया है यार, इतनी लिटरली गर्मी पड़ रही है ना यार, बाल खोलन का कोई हाल नहीं है। चले मम्मी उठ गई है ना आप, अब फटाफट जैसे ही गोश्त आता जाता है शॉपरों में डाल के फ्रिज में रखे, फिर जैसे ही बांटने वाले आते हैं उनको बांट के फारिग करें। जल्दी जल्दी करना है काम, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बर्तन सारे मैंने भेज दिए हैं भाई, थोड़ा सब सांस ले लो फिर काम शुरू। चलो यार इसी के साथ अभी के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं और अगला व्लॉग स्टार्ट करते हैं। होप सो यू लाइक द व्लॉग, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।